सआदत हसन मंटो। मंटो की कुछ अनूठी कथाओं में से ये एक है, प्रेम और चाहत के बीच झूलती कहानी जो सच्चाई को एक झटके से यथार्थ पर ला पटकती है। एक नौजवान अपनी कोठी से बारिश में भीगती दो लड़कियों को देखता है और एक लड़की पर मोहित हो जाता है। एक दिन वही लड़की मिलती है, मगर अंत क्या होता है। मंटो की जानी पहचानी सीरत वाली इस कहानी का नायक है तनवीर। कहानी है बारिश। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें दो दरख्त थे, उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिस से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा गड़ा था उसके फ्लैट के एन सामने, ये भी बड़ा मसरूर नजर आता था, हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था, लेकिन तनवीर ने जो कि बहुत मगमून था यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बारान रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थानों से पानी का एक कतरा भी ना टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिश से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने ना टपकाया हो। दो बरस पहले उसने एक लड़की से जिसका नाम सुरैया था मोहब्बत करना शुरू किया था, मगर यक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरखोर एतीना ही ना समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांगिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे, वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कह कहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में दो लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हाइल थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था जैसा कि उस रोज, जबकि बारिश हो रही थी। उसने उन दोनों लड़कियों को देखा, देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब रही होगी। ना तजुर्बेकार था, जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। यह शरीर लड़की खूबसूरत थी, उसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया, उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था। लेकिन उस लड़की ने जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुए वो भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के खद और खाल नजर आ जाएं, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और ख्याल में उस लड़की से जिसका नाम परवीन था इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे यह भी यकीन था कि वो
उससे मुल्तफित होगी या नहीं। बहुत देर तक वो इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्त कद झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बेंडे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। उसका सर जोर से स्टेयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसीलिए आपको ये जहमत दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो उसकी जबान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था। तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से चीखनुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे। ये गुस्ताखी मैंने जरूर की, इसके लिए माफी चाहता हूं। परवीन ने कदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था। यह सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाएं शाएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं, काट कर क्यों नहीं खाते। तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में ना आया कि सवाल का जवाब क्या दे, चुनांचे वो गोल कर गया, आपको मैं कहां ड्रॉप कर दूं। परवीन मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में एक दो सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होंठों में अपने होंठ पैवस्त कर दिए। परवीन ने कोई मुजाहमत ना की, लेकिन फौरन तनवीर को यह एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नाशाइस्ता हरकत की है और गालबन परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहां जाना है। परवीन के चेहरे पर यूं खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसकी खून की प्यासी है। तनवीर ने उसे बता दिया कि उसे कहां जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो तो चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होंठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूले मटका कर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहां होती हूं, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो मोटर भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमून था। उसको आज ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।